हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं ना बहुत टाइम से एक अच्छा सा फेस वॉश अपने लिए सर्च कर रही थी, तो मुझे काफ़ी टाइम से मिल नहीं रहा था। मैंने बहुत सारे फेस वॉश ट्राई किए पर मुझे सूट नहीं किए कुछ तो, और कुछ मुझे पसंद भी नहीं आए क्योंकि मेरी स्किन है ड्राई, तो इसलिए मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे काफ़ी टाइम से। पर अब मुझे जो फेस वॉश मिला ना, वो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और उसको मैंने कम से कम 15-20 दिन यूज़ किया है, तो इसलिए मैं उसका ही रिव्यू आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैंने उसे ट्राई किया है। तो कैसा है उसके साथ मेरा एक्सपीरियंस, मैं सब कुछ आपको डिटेल में बताऊंगी। तो पहले तो जान लेते हैं कि वो फेस वॉश कौन सा है। ये है वाओ स्किन साइंस ब्राइटनिंग विटामिन सी फेस वॉश है। ये कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आता है और सबसे ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये नो पैराविन, नो सल्फेट, नो सिलिकॉन कलर्स कुछ भी इसमें यूज़ नहीं किया गया है, और बड़े बड़े अक्षरों में यहाँ पर मैंशन भी किया गया, आप देख सकते हो। और ये विटामिन सी फेस वॉश है, तो आपको पता ही है विटामिन सी हमारी स्किन टोन को ब्राइट करने में, रिपेयर करने में, बूस्ट करने में, हाइड्रेट करने में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, हेल्पफुल होता है। डार्क स्पॉट्स वगैरह जो दाग धब्बे हो जाते हैं उनको भी रिमूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, तो इसलिए ये काफ़ी अच्छा फेस वॉश है। और ये नेचुरल इन्ग्रीडियंट से बना हुआ है, इसमें मेन इन्ग्रीडियंट है विटामिन सी और मेलबरी लिकोराइज एक्सट्रैक्ट, विटामिन सी, लेमन एंड ऑरेंज एसेंशियल ऑयल, ये सारे स्किन टोन को ब्राइट करने के लिए यूज किए जाते हैं और सभी विटामिन सी से भरपूर है, उन्हीं को यूज किया गया है इसमें। और इसका रेट है 249, क्योंकि मैंने इसे ऑफलाइन से खरीदा है और इसको मैंने डी मार्ट से परचेज किया है, तो डी मार्ट में मुझे हाफ प्राइस में मिल गया, मतलब 150 में मुझे मिल गया है। अमेजोन में अच्छी खासी सेल चल रही है, तो आप चाहो तो वहां से इसे परचेज कर सकते हो, तो काफी अच्छा डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। इसकी क्वांटिटी 100 ml, तो काफी अच्छी क्वांटिटी भी इसमें दी गई है, और इसका जो सेल्फ लाइफ है वो 2 साल दी गई है, तो आप अगर सुबह शाम इसे यूज़ करते हो, दिन में 2 बार इसे यूज़ करते हो, तो आपके अच्छा खासा महीने भर आराम से चल जाएगा। इसमें मेंशन किया गया है कि सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप, और इसमें बताया गया है कि ये किस किस चीज़ों के लिए बना हुआ है। हेल्प्स ब्राइटन स्किन टोन, हेल्प्स फेड एज स्पॉट्स, हेल्प्स रिड्यूस फाइन लाइंस, इन सब चीज़ों के लिए ये बना हुआ है और इन्हीं सब चीज़ों पे वो वर्क करेगा। तो आइए इसे डिटेल में जानते हैं और इसके बारे में सभी कुछ विस्तार से मैं बताती हूँ, तो चलते हैं वीडियो को आगे बढ़ाती है। आपको अगर ये परचेज करना है तो फिर आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको पूरी जानकारी इसके बारे में मिल पाएगी। आज मैं वाओ का वाओ विटामिन सी फेस वॉश के बेनिफिट्स, इंग्रेडिएंट्स, यूजेस और कौन इसे यूज़ कर सकता है, इन सब के बारे में जानेंगे। तो वाओ विटामिन सी फेस वॉश के इंग्रेडिएंट्स जान लेते हैं। जो मुख्य इंग्रेडिएंट्स हैं उनको मैं बता रही हूँ, मलबेरी एक्सट्रैक्ट्स, लिकोराइज एक्सट्रैक्ट्स, लेमन एसेंशियल ऑयल, ऑरेंज एसेंशियल ऑयल, विटामिन सी, विटामिन ई और ग्लिसरीन, ये मेन इंग्रेडिएंट हैं इसके। अब चलते हैं इनके फ़ायदे के बारे में। वाओ विटामिन सी फेस वॉश के फ़ायदे क्या क्या हैं वो भी जान लेते हैं। सबसे पहला है, ये सब नेचुरल प्रोडक्ट है क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा नेचुरल चीज़ें ही मिलाया गया है। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो त्वचा के लिए हानिकारक नहीं है, इसमें कोई हानिकारक चीज़ें नहीं मिलाया गया है। चेहरे से गंदगी को बाहर निकाल देता है, इसके साथ बाहर की धूल मिट्टी और प्रदूषण को भी बचाता है। अगर आप एक महिला हैं और इसे यूज़ करना चाहती हैं तो आपके चेहरे से ये मेकअप को भी अच्छी तरह से हटा देता है। इसमें मौजूद एंटी एजिंग प्रॉपर्टी आपकी त्वचा पर उम्र का प्रभाव भी नहीं पड़ने देता है। ये त्वचा पर कोलेजन बनाए और बढ़ाए रखने में मदद करता है, इससे त्वचा को जवान बनाए रखने में मदद करता है। त्वचा मृत कोशिकाओं को हटाता है और त्वचा को डैमेज होने से भी बचाता है। और आगे है, महीन रेखाएं और झुर्रियों की उपस्थिति को भी कम करता है। ये एक उम्र के बाद चेहरे पर जो झुर्रियां बन जाती हैं उसे बनने से रोकने में मदद करता है। चेहरे के दाग धब्बों को हटाने में मदद करता है। अगर आपके चेहरे पर छोटे मोटे दाग हैं तो इस फेस वॉश को रोज़ाना यूज़ करने से दागों को भी कम करने में मदद मिलता है। कई लोगों की गाल पर पतली काली परत या काले धब्बे बन जाते हैं, उसे हल्का करने में भी मदद करता है। यह आपके चेहरे की स्किन टोन को हल्का करने में मदद करता है। त्वचा से ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स को दूर करने में भी मदद करता है। इस फेस वॉश को लगाने के बाद आपकी त्वचा पर ड्राइनेस फील नहीं होती है, आपके चेहरे पर एक नेचुरल ग्लो आ जाता है। ये त्वचा पर नमी बनाए रखता है। ये फेस वॉश आपकी त्वचा को अच्छी तरह से डिटॉक्सिफाई भी करता है, त्वचा को हाइड्रोजन प्रदान करता है। इस प्रोडक्ट पर एक QR होता है, इससे आप ये पता लगा सकते हैं कि ये प्रोडक्ट असली है या नकली।
तो ये थे कुछ इसके फ़ायदे, और अब इसको कब यूज़ करना है वो भी मैं बता देती हूँ। ये फेस वॉश खास उन लोगों के लिए है जिन लोगों की स्किन डैमेज हो चुकी है, यानी जिन लोगों के स्किन पर कई सारी समस्याएं जैसे पिंपल, एक्ने, महीन रेखाएं बन जाना, झुर्रियाँ, चेहरे पर उम्र का प्रभाव पड़ना या उम्र का प्रभाव पहले ही पड़ जाना जिससे कि स्किन ख़राब हो जाती है, चेहरे पर दाग धब्बे बन चुके हैं, और इसके साथ जिनको ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स की समस्या, उन लोगों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। अब जान लेते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। तो इसका इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा इजी है। आपको पाम में थोड़ा सा ये फेस वॉश लेना है और सर्कुलर मोशन में हल्का हल्का मसाज करनी है 15 से 30 सेकेंड तक, और उसके बाद नॉर्मल पानी से अपने फेस को वॉश कर लेना है, और वन यूज़ में ही आपको अपनी स्किन थोड़ी सी ब्राइट दिखेगी। देखिए आप जान लेते हैं कि इसे किस तरह की स्किन वाले लोग यूज़ कर सकते थे। तो इसमें तो लिखा ही हुआ है कि सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप, देख सकते हो आप यहाँ फ्रंट में ही लिखा हुआ है। फिर भी अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है या कोई त्वचा संबंधी समस्या है तो आप इसे डॉक्टर की सलाह से उपयोग करें, या करने से पहले आप अपने गले या हाथ पर उपयोग करके देख लें, मतलब पैच टेस्ट कर लें। और इसके अलावा ये फेस वॉश नॉर्मल आयली और ड्राई स्किन वाले लोगों के लिए अच्छे से बहुत अच्छा फेस वॉश है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप इससे चेहरा धोने के बाद मॉइस्चराइज़र ज़रूर अप्लाई करें। अब जान लेते हैं कि आपको इस फेस वॉश को लेके कुछ मन में सवाल आ रहे होंगे, तो कुछ सवाल जो मेरे मन में भी आ रहे थे तो मैं उनके जवाब देना चाहूँगी। तो सबसे पहले सवाल तो ये, दूसरा है कि क्या वाओ विटामिन सी फेस वॉश मुहासे वाली त्वचा के लिए अच्छा है। तो देखिए मुझे अभी 15 से 20 दिन हुए ऐसे यूज़ करे हुए, तो मेरे जो दाग धब्बे वो तो मुझे लगता है कि हाँ उससे सही हो जाएंगे इससे, पर मुहासों का मैं नहीं कह सकती क्योंकि मेरे मुहासे नहीं है तो मैं ये कह नहीं सकती। पर हाँ जो इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज़ किए गए हैं उसके तौर पे तो हाँ मुहासे अगर आपको हैं तो वो भी क्लीन होने की संभावना है, वो भी सही होने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या वाओ विटामिन सी फेस वॉश प्राकृतिक है। तो ये पूरी तरीके से प्राकृतिक नहीं है, लेकिन इसमें ज़्यादातर अधिकतर चीज़ें जो मौजूद हैं वो प्राकृतिक चीज़ें ही हैं, और किसी भी तरह की कोई हानिकारक केमिकल्स इसमें यूज़ नहीं किया, जैसे कि मैंने पहले भी बताया और इसमें यहाँ मेंशन भी किया गया है कि किसी तरह का हार्मफुल केमिकल यूज़ नहीं किया गया है, कोई कलर भी यूज़ नहीं किया गया है। तो ये स्किन के लिए अच्छा है, आपकी स्किन में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसको लगाने के बाद। नेक्स्ट है वाओ विटामिन सी फेस वॉश पिंपल के लिए अच्छा है। तो मैं कहूँगी हाँ अच्छा है, मुझे ये लगता है क्योंकि इसके इंग्रेडिएंट्स जिस तरह के हैं तो मुझे लगता है हाँ उस पर भी ये वर्क करेगा। पर इसका मैं पर्सनली नहीं कह सकती क्योंकि मुझे मुहासे नहीं है, तो मैं ये पर्सनली नहीं कह सकती हूँ इसके बारे में। इसकी पैकेजिंग तो आपने देख ही ली है, और इसका जो कैप है वो इस तरह का है, और देखिए आप कंसिस्टेंसी भी देख सकते हो, बहुत ही लिक्विडी है और वाइट में है, ट्रांसपेरेंट है, तो इस तरह का इसका टेक्स्चर है। और इसकी जो स्मेल है बहुत ही माइल्ड, बहुत ही लाइट स्मेल है, और स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं है। और आप सोचो कि इसका कोई ट्रायल पैक आता है तो मैं उसे ट्राई कर लूँ, तो ऐसा कोई ट्रायल पैक नहीं आता है। आपको अगर ट्राई करना है तो आपको यही 100 ml का ट्यूब खरीदना पड़ेगा, और आजकल अमेज़ॉन में डिस्काउंट चल रहा है तो आप चाहो तो वहाँ से इसे खरीद सकते हो, अच्छा खासा डिस्काउंट भी आपको अभी मिल जाएगा। और आप इसे यूज़ करने से पहले एक पैच टेस्ट ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, किसी किसी को हर चीज़ सूट नहीं करती है, तो एक पैच टेस्ट करने के बाद ही आप इसे अपने फेस में अप्लाई करिएगा। इसे अपने फेस में अप्लाई करें तो ध्यान रखिएगा इसे आंखों पे नहीं जाना चाहिए, और बच्चों से दूर रखिएगा ये फेस वॉश। मैंने अपने चैनल पे एवर यूथ के फेस वॉश का भी रिव्यू किया है, वो भी बहुत अच्छा फेस वॉश है, वो भी मैंने अपने पर्सनली बहुत अच्छा मुझे लगा तभी मैंने रिव्यू किया, और मैं उन्हीं प्रोडक्ट का रिव्यू करती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है, और जो मुझे नहीं अच्छा लगता है तो वो मैं अपने चैनल पे अपने वीडियो पे मैं बता देती हूँ ये कि मुझे इससे क्या प्रॉब्लम है। क्या ऐसा नहीं है कि मैं सारे प्रोडक्ट को अच्छा ही बोलती हूँ, तो अगर आप देखना चाहते हो उसका वीडियो भी तो मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहां से देख सकते हो। और भी मैं अपने चैनल पे घरेलू नुस्खे, कर्टेन, साड़ी, बच्चों के कपड़े, बेडशीट, बेबी प्रोडक्ट्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, इन सब के रिव्यू भी मैं करती रहती हूँ, तो अगर आप देखना चाहते हो तो मेरे चैनल पर जाकर उन सब के वीडियो भी देख सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना प्लीज़ मत जाइएगा। तो मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू।